हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जयकारों व बंदुकों की सलामी के साथ विराजित हुए प्रभु चार भुजानाथ। जोशी पालीवाल समाज चम्वाली श्रेणी धोइंदा के नवनिर्मित मंदिर में राम भक्त हनुमान जी की मूर्ति की हुई प्रतिष्ठा। अखिल भारतीय जोशी पालीवाल समाज चम्वाली श्रेणी धोइंदा के नवनिर्मित शिखर मंदिर में 3 दिवसीय प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत शुक्रवार को धर्ममय माहौल के बीच जयकारों और बंदुकों की सलामी के साथ प्रभु चार भुजानाथ एवं राम भक्त हनुमान जी, गणेश जी व देवी देवताओं की मूर्तियों की प्रतिष्ठा मंत्रोच्चार के साथ की गयी। महोत्सव के तहत आज प्रातः से पूजा अर्चना तथा विभिन्न अनुष्ठान शुरू हुए तथा श्रद्धालुओं ने हवन में आहुतियां लगाई। इसके बाद प्रातः 11:15 बजे से प्रतिष्ठा के मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अनुष्ठान के पूर्ण होने पर दोपहर 12:15 बजे अभिजीत मुहूर्त में छेगोला छेल की जय, प्रभु आपकी जय हो, चार भुजानाथ की जय जैसे जयकारों से आकाश गुंजायमान हो गया और इसके साथ ही मंदिर में सभी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हुई। बड़ा भानुजा के ठाकुर लक्ष्मी नारायण जी व धोइंदा के सभी मंदिरों के ठाकुर जी की मंदिर परिसर में उपस्थित उनके साक्ष्य में मूर्तियों की प्रतिष्ठा की गई। वहीं कलश स्थापना और मंदिर शिखर पर ध्वजादंड आरोहण भी शुभ मुहूर्त में किया गया। ठाकुर जी की मूर्ति स्थापना को लेकर बंदुकों से सलामी दी गई, साथ ही पुष्प वर्षा की गई। जयकारों के साथ वातावरण पूर्णतया भक्तिमय हो गया। इस दौरान श्रद्धालु महिला पुरुष खुशी से झूम उठे तो महिलाओं ने मंगल गीतों का गायन किया। इस दौरान समाज के साथ धोइंदा के श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। प्रतिष्ठा के बाद सभी श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद ग्रहण किया। धूमधाम से निकाली गई ठाकुर जी की शोभा यात्रा। इससे पूर्व गुरुवार शाम को प्रतिष्ठा के साक्षी बनने पर पूरे लवाजमे के साथ बड़ा भानुजा के ठाकुर जी वाहन रूपी आकर्षक सजे धजे रथ में विराजित होकर राजसमंद पधारे। ठाकुर जी के राजसमंद में प्रवेश पर पीपड़ा, सोमनाथ चौराहा एवं मार्ग के जिला अस्पताल सहित अन्य स्थानों पर पुष्प वर्षा के साथ जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद ठाकुर जी को भीलवाड़ा बाईपास से होकर धोइंदा में सीनियर स्कूल की ओर से प्रवेश करवाया गया। स्कूल के समीप बड़ा भानुजा के ठाकुर जी की अगवानी के लिए धोइंदा के बड़ा व छोटा चारभुजा मंदिर, नरसिंह द्वारा एवं जोशी समाज मंदिर के ठाकुर जी स्कूल के समीप पधारे। वहां जयकारों और पुष्प वर्षा के साथ ठाकुर जी और उनके साथ आए मेहमानों का उपरना उड़ाकर स्वागत किया गया। इसके बाद सभी ठाकुर जी को गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा के रूप में कैलाश चौराहा व गणेश चौराहा सहित धोइंदा के प्रमुख मार्गों से होकर जोशी समाज के नवनिर्मित शिखर मंदिर प्रांगण में लाकर विराजित किया गया। विभिन्न समाजों व श्रद्धालुओं ने किया स्वागत। शोभा यात्रा का मोक्षधाम समिति व कुमावत समाज की ओर से पुष्प वर्षा और फूल मालाओं से स्वागत किया गया, साथ ही जलपान करवाया गया। वहीं मार्ग में जयकारों के साथ आगे बढ़ती शोभा यात्रा पर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा। मार्ग में भजनों की स्वर लहरियों से भक्तिमय हुए माहौल में भाव विभोर होकर युवाओं के साथ ही श्रद्धालु महिलाओं पुरुषों ने भाव नृत्य किया। जोशी समाज के मंदिर पहुंचने पर पहले सभी ठाकुर जी और उनके साथ आए मेहमानों को परंपरागत रूप से स्वागत किया गया। उसके बाद उन्हें मंदिर परिसर में विधि विधान से विराजित किया गया। इसके बाद पूजा अर्चना करके आरती की गई। कार्यक्रम को लेकर नवनिर्मित मंदिर परिसर को आकर्षक डेकोरेशन से सजाया गया। वहीं मंदिर की ओर आने वाली सभी मार्गों पर काफी दूर तक डेकोरेशन किया गया और साथ ही तोरण द्वार भी सजाए गए, जिससे माहौल पूरी तरह से उत्सवमय बन गया। देर रात तक चली भजन संध्या। मंदिर में प्रतिष्ठा के मुख्य समारोह से पूर्व गुरुवार रात को बड़ा भानुजा के ठाकुर जी की पधरावनी होने के बाद एक शाम चारभुजानाथ के नाम भजन संध्या आयोजित की गई। इसमें गायक निर्मल जांगिड़, राजू वैष्णव एंड पार्टी के द्वारा चारभुजा की लावणी, चारभुजा का चौक में नाचूली घूमर गाल ने, सावरिया है सेठ बन्नो मारो चार बुजारो नाथ, बन्नी मारी तुलसा माई मारा चार बुजारा नाथ, गढ़भोर बिराजे चार बुजा देना होता दीजिए जन्म जन्म का साथ आदि के साथ ही कई एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां देकर श्रद्धालुओं और श्रोताओं को देर रात तक भक्ति की डोर से बांधे रखा। इसका संचालन विष्णु जोशी ने किया। बड़ा भानुजा से पधारे भगवान लक्ष्मी नारायण और सजा दजा उनका रथ। जागरूक टीवी के लिए राजसमंद से नरेंद्र सिंह खंगारोत की रिपोर्ट।